अस्सलाम वालेकुम, डेटा एनालिस्ट समर बूट कैंप के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में जो चीज हम देखने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कितनी ट्रेन्स चल रही हैं? क्या आपको पता है कि सारी की सारी ट्रेन्स मोस्ट ऑफ देम ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम पे चलती हैं? क्या आपको ये पता है कि जितनी भी ट्रेन्स ऑनलाइन सिस्टम पे चलती हैं कभी वो डिले होती हैं, कभी टाइम पे पहुंचती हैं? क्या आपको पता है कि कभी एक ट्रेन में ज्यादा मुसाफिर होते हैं, कभी कम होते हैं? क्या आपको ये पता है कि कभी एक ट्रेन के अंदर कम कोचेज लगाई जाती हैं, कभी ज्यादा कोचेज लगाई जाती हैं? क्या आपको पता है कि कुछ ट्रेनें बिजली पे चलती हैं, कुछ ट्रेनें फ्यूल पे चलती हैं और कुछ ट्रेनें कोयले पे चलती हैं? अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता होगा कि जितनी भी मैंने बातें की हैं इनमें से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। और बिलीव मी, जर्मन डॉयचे बान सिस्टम के अंदर, जो डॉयचे बान यानी कि जर्मन ट्रेन सिस्टम्स के अंदर बकायदा डेटा एनालिस्ट जॉब करते हैं, जो सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें ट्रेन्स का टाइम क्या रखना है। वो डेटा एनालिस्ट ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ट्रेन्स के अंदर कितनी कोचेज होनी चाहिए। वो डेटा एनालिस्ट ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि ट्रेन्स का किराया कितना होना चाहिए। वो डेटा एनालिस्ट ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि एक ट्रेन के अंदर हमें टिकट चेकर कितने रखने हैं। वो डेटा एनालिस्ट ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ट्रेन का जर्नी ज्यादा है तो हमें ड्राइवर कितने रखने हैं, जिसे हम ट्रेन का पायलट भी बोल देते हैं अगर आप बोलना चाहें तो। अब वो डेटा एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि हमें कितनी ट्रेन्स एक ट्रैक पे चलानी चाहिए, क्या वो ट्रैक इनफ है या नहीं है। वो डेटा एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि क्या हमें डिस्काउंट रख के कोई फायदा होगा या नहीं होगा। जैसे जर्मनी में इस वक्त 49 यूरो की टिकट जो है पर मंथ आप पे करते हैं और पूरे जर्मनी में आप टोटली फ्री सफर कर सकते हैं रीजनल ट्रेन्स के अंदर। वो ये भी बताते हैं कि टिकट की प्राइस किस वक्त कितनी रखनी है और किस वक्त कितनी रखनी है। ये सब कुछ डेटा एनालिस्ट करते हैं। और आप सोच रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट की जॉब्स कहाँ पे है, ये सिर्फ मैंने ट्रेन्स की एग्जांपल दी है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम प्लेन की एग्जांपल पे जाएंगे और इंशाल्लाह प्लेन में बैठ के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में बैठ के ट्रेन की बात हो रही है। तो एज ए डेटा एनालिस्ट आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको हर एक डेटा को रेंगल करना सीखना है, आपको हर डेटा से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है, एंड देन यू हैव टू आल्सो डू द डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। और ये काम हमारा है, हमने करना है इंशाल्लाह एज अ डेटा एनालिस्ट। और इस 3 माह के बूट कैंप के अंदर आपको मैं डेटा एनालिस्ट बना के छोड़ूंगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाय द वे, जिस ट्रेन में मैं व्लॉग ये शूट कर रहा हूँ वहाँ पे कोई नहीं इस वक्त इस कोच में बैठा हुआ, इस वजह से मैं जरा ऊंची ऊंची बोल रहा था। तो अगर आपको लगता है कि जब मुसाफिर बैठे होते तब बंदा ऊंची बोल लेता है, नेवर। इट्स अ क्वाइट कोच और यहाँ पे आप देख सकते हैं।